एनवीडिया, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में शायद अभी भी ग्राफिक कार्ड्स आते हो, बट ये कंपनी उससे भी कहीं आगे है। अभी रिसेंटली इस कंपनी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। इस कंपनी का मार्केट कैप एक ही दिन में 22,50,000 करोड़ बढ़ गया। जिसको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दूं कि किसी भी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर को उसके प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उसे ही उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो 22,50,000 करोड़, यानी कि इस कंपनी के शेयर्स को एक ही दिन में इतने लोगों ने खरीदा कि इसने हाईएस्ट गेन ऑफ ऑल टाइम का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। अगर ये सुन के अभी भी आप हैरान नहीं हुए तो मैं आपको बता दूं कि रिलायंस इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 19.90 करोड़ है। और यहां तक पहुंचने के लिए रिलायंस की 3 जनरेशन लग गई और एनवीडिया ने बस एक ही दिन में 22 लाख करोड़ का गेन किया और ये गेन काफी देशों की जीडीपी से भी बड़ा है। और अब एनवीडिया के लिए कहा जा रहा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टॉक ऑफ प्लेनेट है और अब ये कंपनी 2 ट्रिलियन की बन गई है, यानी कि दुनिया की 4th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। पिछले साल ये कंपनी 1 ट्रिलियन पे थी और वहां तक पहुंचने में इसे काफी टाइम लगा, पर ऐसा क्या हुआ कि 12 महीने में ही इस कंपनी की वैल्यूएशन दुगनी हो गई। इससे ज्यादा आज तक किसी भी कंपनी ने एक दिन में इतना गेन नहीं किया। हां, इससे पहले एक बार फेसबुक ने काफी बड़ा गेन किया था जो कि था 16 लाख करोड़ का। तो ये सब तो ठीक है, पर आपके दिमाग में अभी भी यही चल रहा होगा कि आखिर एक ग्राफिक कार्ड बनाने वाली कंपनी की इसने इतनी जल्दी बड़ी बड़ी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1993 में, जब जुरासिक पार्क नाम की मूवी लॉन्च होती है और ये मूवी उस वक्त की काफी ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी बन जाती है। इस मूवी के सुपर हिट होने का रीजन था इस मूवी के ग्राफिक्स। हालांकि इससे पहले भी काफी कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स मूवी लॉन्च हुई थी, बट ये ऐसी पहली मूवी थी जिसमें सीजीआई को लाइव कैरेक्टर के साथ इस तरह से मिक्स किया गया हो कि डायनासोर देखने में एकदम असली लगे। और इस मूवी के हिट होने के बाद मार्केट में 3D ग्राफिक्स की डिमांड काफी बढ़ गई और ये वो समय था जब अमेरिका में कंप्यूटर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, मतलब कि कंप्यूटर्स की डिमांड भी लोगों में खूब बढ़ रही थी। दोस्तों, उस वक्त जब कंप्यूटर्स हुआ करते थे उसकी प्रोसेसिंग में सीपीयू का यूज होता था और बड़ी बड़ी टेक कंपनीज का यही मानना था कि फ्यूचर में भी ये सारा काम सीपीयू ही करेगा। लेकिन एक ताइवान बॉर्न अमेरिकन इंजीनियर, उनका मानना था कि फ्यूचर में एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग ग्राफिक बेस्ड होगी, क्योंकि वो उसी वक्त समझ गए थे कि नॉर्मल एप्लीकेशंस को तो सीपीयू ही रन कर लेगा, पर कुछ एप्लीकेशंस को रन करने के लिए जीपीयू यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जैसे गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, सीजीआई मूवीज और भी काफी सारी चीजें। और इसलिए ये अपने दो और दोस्तों के साथ मिलकर 1993 में अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है एनवीडिया। सो बैक टू प्रेजेंट टाइम, आई नो कि अभी भी आप यही सोच रहे होंगे कि ठीक है यार, ये कंपनी ग्राफिक कार्ड तो बनाती है, बट आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज इस कंपनी पे ही सारी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज डिपेंडेंट है। तो देखो, पहले तो ये कंपनी सिर्फ गेमिंग्स के लिए ही चिप्स डिजाइन करा करती थी, बट उसके बाद इन्होंने कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग के लिए भी चिप्स बनाना चालू कर दी और फिर जहां भी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग जरूरत पड़ती थी वहां एनवीडिया को याद किया जाने लगा, जैसे सुपर कंप्यूटर्स में या फिर ऐसी जगह जहां पे बहुत डेटा की जरूरत पड़े। अब देखो, अगर आपको माइक्रोचिप के बारे में ज्यादा नहीं पता तो मैं आपको अपनी माइक्रोचिप वाली वीडियो देखने के लिए कहूंगा जिसमें मैंने माइक्रोचिप के बारे में अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हो। अब देखो, इन्हें एक ही दिन में उतना गेन इसलिए मिला क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपना एक क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया था, यानी कि पिछले 90 दिनों की सेल। उन्होंने बताया कि पिछले 90 दिनों में उनकी सेल है $22 बिलियन, यानी कि 1,80,000 करोड़, यानी कि एक दिन की 2,000 करोड़, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 256% ज्यादा है। इनका कहना है कि इनकी डिमांड मार्केट में इतनी ज्यादा है कि इनके पास सप्लाई करने के लिए इतनी कैपेसिटी नहीं है, सारी मशीनें फुल चल रही हैं और अब ये कैपेसिटी और बढ़ा रहे हैं, मशीनें और खरीद रहे हैं। बस फिर क्या, ये सुनते ही सारे लोग लग गए इनके शेयर्स को खरीदने। पर इसकी डिमांड इतनी बड़ी कैसे? तो आजकल हर कंपनी पड़ी हुई है एआई की रेस में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, गूगल, टेस्ला, मेटा, एप्पल, और ये तो मैंने आपको बस बड़े बड़े कंपनी के नाम बताए हैं, और भी काफी सारी कंपनीज हैं जो एआई पे काम कर रही हैं। अब देखो, एआई में इन चिप्स की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एआई में करना होता है मॉडल को ट्रेन, और ट्रेन करने के लिए बहुत सारे डेटा की जरूरत होती है, और जितना डेटा बढ़ेगा उतना ही कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग बढ़ती है, और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग के लिए जरूरत पड़ती है एनवीडिया की। और एनवीडिया एआई चिप्स में 80% मार्केट शेयर रखती है, यानी कि आज के टाइम में मार्केट में जितनी भी एआई के लिए चिप्स बन रही हैं उसमें से 80% एनवीडिया की हैं। और ये तो हम सब जानते हैं कि एआई ही फ्यूचर है, यानी कि एनवीडिया जैसी कंपनी की फ्यूचर में बहुत अच्छी डिमांड रहेगी। हालांकि सारी कंपनीज को पता है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज के लिए उनको किसी एक कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो सब अपनी रिसर्च भी कर रहे हैं, बट एनवीडिया जैसी चिप्स बनाने के लिए उनको लगभग 5 से 6 सालों का समय लग जाएगा और तब तक एनवीडिया मार्केट पर राज करती रहेगी। तो ये थी एनवीडिया की स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और माइक्रोचिप्स के बारे में और जानने के लिए मेरी ये वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।